नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर, जहां पर होती है बैंकिंग की धमाकेदार प्रिपरेशन। और यहां पर इस चैनल पर कोशिश की जाती है आपके बैंकिंग के सपने को पूरा करने की, ताकि वो ड्रीम जो आप परसों से देख रहे हैं या जिन्होंने अभी देखना शुरू किया है वो इसे पूरा कर सके। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वांट्स के सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन और बहुत ही धमाकेदार ट्रिक के साथ, जिस ट्रिक के अंदर आपको पता लगेगा कि कैसे AI के क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। SBI क्लर्क और PO के मेंस में मेन जो पैटर्न होता है क्वांट्स का वो DI पर बेस होता है, जिसमें आपको या तो पाई चार्ट दिया जाएगा या आपको ग्राफ दिया जाएगा या ऐसा कोई आपको टेबल दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन है क्या। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि डेटा को समझना, यानी कि दिए गए आंकड़ों को, दिए गए टेबल को, दिए गए पाई चार्ट को समझना और समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। तो आज हम सीखेंगे ट्रिक के साथ कैसे हम DI को सॉल्व कर सकते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ऑटोमेटिकली हर DI को कम से कम समय में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो देखते हैं हमारी आज की DI क्या है। लिखा है स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। डेटा को ध्यान से पढ़े और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्या बता रहा है हमें यहाँ पर, सेलर्स लिखे हैं यानी कि विक्रेता, ABCDE 5 विक्रेता हैं, सेलर हैं ABCDE। टोटल व्हीकल सोल्ड यानी कि इन्होंने कुल कितने वाहन बेचे, 12,000, 9,000, 7,500, 14,000 और 10,500। तो ये इन्होंने कुल वाहन बेचे। टू व्हीलर सोल्ड, तो 12,000 में से दो पहिया वाहन या टू व्हीलर्स कितने थे, 52%। 9,000 में से 65%, 65% आपके पास टू व्हीलर हैं, 7,500 में से 60% टू व्हीलर्स हैं, 14,000 में से 40% टू व्हीलर्स हैं, 10,500 में से 45% टू व्हीलर्स हैं। आगे क्या दिया है कि सुजुकी और बजाज दो कंपनियां दी हैं जिनके टू व्हीलर्स हैं। तो सुजुकी और बजाज का जो रेशो दिया है वो 5:8, 7:6, 11:4, 4:3 और 4:5 दिया गया है। इसी प्रकार फोर व्हीलर भी दिया गया है, फोर व्हीलर जो है वो 7:5, 4:3, 5:3, 3:5 एंड 7:4 है। अब देखिए टोटल व्हीकल्स ये हैं, टू व्हीलर्स आपको दिया है। अब इस टेबल में एक चीज मिसिंग है जो आपको खुद से बनानी है, एग्जामिनर आपको वहां पर नहीं प्रोवाइड करेगा, तो आपको खुद बनानी है। वो क्या होगी मैं यहां पर बना देता हूं। फोर व्हीलर्स सोल्ड, जो फोर व्हीलर कितने बिके, ठीक है। अब देखिए अगर 12,000 में से 52% टू व्हीलर है, 12,000 ए सेलर ने 12,000 व्हीकल बेचे, उसमें से 52% टू व्हीलर है, तो फोर व्हीलर कितने होंगे। मान लेते हैं 12,000 किसके बराबर है, 100%, 52% टू व्हीलर है, फोर व्हीलर कितने हो गए, 48%। क्लियर है, 12,000 कुल बेचे यानी कि 100%, उसमें से टू व्हीलर कितने हैं, 52%, तो फोर व्हीलर कितने हो जाएंगे, 52 माइनस 100 माइनस 52 48%। क्लियर होगा। इसी प्रकार 100 माइनस 65 35%, 100 माइनस 60 40%, 100 माइनस 40 60%, और 100 माइनस 45 55%। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो अभी हमने ये चीज़ जो मिसिंग थी वो हमने खुद से ड्रॉ कर दी। यहीं पर जो छुपी है हमारी DI की ट्रिक, कि DI में कभी भी ऐसा मत करें कि पहले क्वेश्चन देखें फिर डेटा देखें, फिर क्वेश्चन देखें फिर डेटा देखें, फिर क्वेश्चन देखें फिर डेटा देखें। इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। एक बार जब आपके डेटा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आएगा, उस डेटा को पेपर पर नोट करके जो भी कुछ आपको पता लगता है सब लिख डालें, और उसके बाद क्वेश्चन आप 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे, पहले सारा डेटा तैयार कर लेंगे। अब देखिए मैं
ये सारा डेटा जो है यहाँ पर नीचे इसको फिगर्स में कन्वर्ट, नंबर में कन्वर्ट कर। पहले हम निकालते हैं इसका रेशियो इसके हिसाब से क्या नंबर आएगा।
देखिए 6 to 4 से जो दिया है इज इक्वल टू 5x और 8x रेशो को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए x लगा दिया, इसको जोड़िए 13x इज इक्वल टू 6 to 4 0। x कितना जाएगा डिवाइड कीजिए 13 4 52 480। अब जब 480 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 480 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 480 × 5 = 424, ये कितना आया हमारा 2400। इसी प्रकार 480 को जब 8 से करेंगे, ठीक है, या आप इसको इसमें से माइनस भी कर सकते हैं, माइनस करके देख लीजिए 0 4 8 3, ठीक है। क्या किया हमने, इसको ऐड किया, इसे डिवाइड कर दिया। अब ऐसे ही करते हैं 7 और 6 13 13 को जो है 5850 को डिवाइड करेंगे 13 से, आ गया 450 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 3150, इसमें से माइनस कीजिए 0, 5 में से 5 के 0, 8 में से 1 गए 7, 5 के 3 गए 2। इसी प्रकार 11 और 4 कितना हो गया 15 को से डिवाइड करेंगे 300 आएगा, 300 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 300, यहाँ 1200 क्लियर है। यहाँ 4 और 3 7 डिवाइड करेंगे 800, 8 4 सा 32, 8 3 सा 24, यहाँ 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 से डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है 4725 डिवाइड बाय 9, 9 5 सा 45 22, 9 2 सा 18, 9 5 सा 45 मल्टीप्लाई बाय 4 2100, और इसमें से माइनस कीजिए 25 6 2। ये डेटा तैयार हो गया 2 व्हीलर का, सुजुकी के ये हैं, बजाज के ये वाले हैं। इसी तरह हम लोग इस डेटा को देखकर इसका कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला या रेशियो निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा 7 और 5 12, इसको 12 से डिवाइड कीजिए 12 4 48, 12 8 96, 480 आ गया, 480 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400 ये आ गया, इसको से माइनस कर दीजिए 0 6 3 3, 7 से डिवाइड कीजिए 3150 को। नेक्स्ट है 3150 डिवाइड करेंगे 7 से, 3000 को 8 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा आपके पास 8 3 24, 8 7 56, 8 5 40, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से 1875, माइनस कीजिए 25 1 1। नेक्स्ट है 8400 डिवाइड करेंगे 8 से तो ये आ गया 1875 1125। अब 8400 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 1050, मल्टीप्लाई कीजिए इसको 3 से तो कितना आ जाएगा 3150, 5 से करेंगे तो 5250, ठीक है। यहाँ पर है 4725, डिवाइड करेंगे 11 से, 11 4 44, 32 बचेगा, सॉरी यहाँ पर 4725 सेम हो गया,
3 डबल 7। परसेंटेज के लिए 200 करते हैं, 600 माइनस 600, 600 2 12, 2
अंडर टू और 50 टू सा 100, क्या आंसर आ गया आपका 50%। डेटा हमारे पास तैयार था तो अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा है टोटल व्हीकल सोल्ड बाय डी एंड ई टुगेदर ऑफ बजाज, डी और ई ने मिलकर बजाज के जितने वाहन बेचे इज हाउ मच मोर देन, कितने ज़्यादा है इससे टोटल व्हीकल जो सी और डी ने बेचे सुजुकी के, ठीक है। अच्छा, डी और ई ने बजाज के कितने व्हीकल बेचे, देखिए डी ये है, ई ये है, बजाज के कौन से व्हीकल है ये और ये वाले, यानी कि कितने हो गए 2400। अब यहाँ टू व्हीलर और फोर व्हीलर नहीं बना तो दोनों ऐड करेंगे 2625 5250 और 2100, कितना हो जाएगा यहाँ से आएगा आपका 5 2 और 5 7 4 6 10 12 और 1 13 2 और 1 3 5 5 10 और यह आएगा 12375 वाट डी और ई ने बेची बजाज के। पूछा है कितना सी और डी ने, तो सुजुकी ने बेचे, सी और डी सुजुकी। अब ये सी और डी है और ये सुजुकी वाले हैं, तो ये दोनों 3300 और 3200 प्लस 1875 और 3150, ये कितना हो गया यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 7 और 5 12, 3 और 1 4 2 6 8 14 और 1 15, 3 और 4 7 8 11। उससे मुझे कितने ज़्यादा हैं, तो कितने ज़्यादा कैसे करेंगे, माइनस कर देंगे दोनों को, माइनस कर दिए 0 5 8, तो आपका आंसर क्या आ गया 850। ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिर्फ दो ही क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको बताया जा सके कि कैसे एक बार डेटा तैयार करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी दो क्वेश्चन अभी आपको बताया गया कैसे इस ट्रिक से आप इजीली 10-10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर मुझे समझाने के लिए भले ही ज़्यादा समय लगाओ लेकिन एग्जाम में आप इसको और तेज़ी से कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों तक इस ट्रिक को पहुँचाएँ और जितने भी TI के क्वेश्चन आप आगे करें या हम नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास 1 थी, आगे क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 जितने भी क्लासेस होंगे TI के ऊपर उनके साथ ज़रूर जुड़ें और उसी के साथ आप लोग TI को ऐसे सॉल्व करके देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कम समय लगेगा TI सॉल्व। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।